हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th का जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का, उसका चैप्टर नंबर 3 कराने जा रहा हूँ, कंसेप्ट्स कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, इससे पिछले दो चैप्टर जो बिगनिंग के चैप्टर हैं, अकाउंटिंग का मीनिंग है जिसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो चैप्टर नंबर 2 की, वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। आप अकाउंट्स क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल पे वहाँ से वो चैप्टर्स देख के अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। तो बच्चों, एक चीज़ और आपका ये डाउट क्लियर कर दूँ कि ये जो पहले 5-6-7 जितने भी चैप्टर्स हैं, जो हर ऑथर ने अपने हिसाब से उसको लिखा हुआ है, उसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी की भी बुक हो, किसी भी ऑथर की बुक हो, किसी भी पब्लिशर की बुक हो, सब में कंटेंट सेम है। सब ने अपने अपने लिखने का तरीका अपनाया हुआ है, चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका है। सो इट हार्डली मैटर्स कि मैं कौन सी बुक से पढ़ा रहा हूँ, या कोई कौन सी बुक से पढ़ा रहा है, या आप किस बुक से पढ़ रहे हो। फिर वो चाहे NCERT की है या किसी प्राइवेट पब्लिशर की है, कंसेप्ट्स वही रहेंगी। जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो वो वहीं रहेंगी, कुछ भी नहीं बदलेगा। ना अकाउंटिंग बदलेगी, ना अकाउंट्स को पढ़ने का या पढ़ाने का तरीका चेंज होगा, ठीक है जी। हाँ, सबको अपना अपना अलग अलग तरीका होता है एक्सप्लेन करने का, सिर्फ यही फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 को, जिसमें कि लिखा हुआ है कंसेप्ट्स कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों, कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स, या जिसको हम कन्वेंशंस भी बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब होता है? कंसेप्ट का मतलब होता है एक वो धारणा जो हम जनरली अकाउंट्स में मान के चलते हैं, ठीक है। ये किसी ने हमें बताया नहीं, लेकिन ये है कि ये हमें ये फॉलो करनी होती हैं, ओके जी। और उसके बाद प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स या कन्वेंशंस एक वो रूल्स हैं जो अकाउंट्स लिखते हुए कॉमनली हर अकाउंटेंट को यूज़ करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। और ये कन्वेंशंस और कंसेप्ट्स या जो प्रिंसिपल्स हैं, ये कौन बनाता है? बच्चों, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है जो इंडिया का, वो इसको डेवलप करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और सारे अकाउंटेंट, मतलब जितनी भी अकाउंटिंग इंडिया में होती है, वो इन्हीं अजम्पशंस को, इन्हीं कंसेप्ट्स को, इन्हीं कन्वेंशंस को, इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए होती है। तो जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कौन सी है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन, अक्रूअल अजम्पशन, ठीक है जी। और उसके बाद क्या है बच्चों? अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल में सबसे पहले क्या आ रहा है आपका? बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, कॉस्ट, मैचिंग, ड्यूअल एस्पेक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है बच्चों? तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको एक एक एक्सप्लेन करना। बच्चों, यहाँ एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, अजम्पशंस और कंसेप्ट सेम चीज़ होती है, कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स अलग चीज़ होती है, ठीक है। और ये कन्वेंशन लिखा हो या प्रिंसिपल लिखा हो, उसका मतलब यही वाले आएंगे, और जब कंसेप्ट या अजम्पशन है वो ये आएंगे। इसलिए मैंने इसको आपको अलग अलग करके कर दिया है। लेकिन जब भी कभी क्लास में टेस्ट हो या पेपर हो, तो आपको ये नहीं बताया जाएगा। हो सकता है वो सिर्फ पेपर में यही लिखा जाए, गोइंग कंसर्न एक्सप्लेन करो, अकाउंटिंग पीरियड एक्सप्लेन करो। आपको उसके क्रक्स को अंडरस्टैंड करना है, और जो चीज़ें हैं उसको बताना है, उसके कंसेप्ट को क्लियर करना है, विद एग्जांपल मांगा जाएगा। और मैंने ये जो एक्सप्लेनेशन बनाई है बच्चों, वन लाइनर एक्सप्लेनेशन है, कोई बड़ा लिखा नहीं है, कोई मुश्किल लैंग्वेज या टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि अगर बहुत सारा ही लिखना था, वो तो आपकी फिर बुक्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, बहुत सारा तो फिर स्कूल के या क्लास के टीचर्स ने नोटबुक्स में भी लिखवा लेंगे। बट कंसेप्ट किसी को क्लियर नहीं होती कि वो पढ़ना क्या है, समझना क्या है, वो वन लाइनर, वो बॉटम लाइन क्या है जिसको अंडरस्टैंड करना है इस कंसेप्ट या कन्वेंशंस को लेके। तो बच्चों, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की। बच्चों, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहती है? कि बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल पीरियड एंड क्लियर इंटेंशन नॉट टू क्लोज द बिजनेस। बिजनेस को हम ये मान के चलते हैं कि वो एक गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न का मतलब ये नहीं कि वो रनिंग कंसर्न है, मतलब गोइंग का मतलब यहाँ पे लगातार चलते रहना, कोई दौड़ने वाली नहीं है, ठीक है, चल नहीं रही है, मूवमेंट नहीं हो रही। मूवमेंट उसकी कैसे हो रही है? क्योंकि वो आगे बिजनेस करती जा रही है, बिजनेस उसका कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा फॉर ए फोरसीएबल पीरियड। कि जितना कि हमें समझ लग रहा है, अकाउंटेंट को जो पता चल रहा है कि अकाउंटेंट ये मान के चलेगा कि बिजनेस लगातार चल रहा है, जब तक कि ऑनर्स उसको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन या इंटेंशन ना बताएं कि बिजनेस
क्लोज हो रहा है। तो ये मान के अजम्पशंस लेके ये करा जाएगा, ये कंसेप्ट को फॉलो करके किया जाता है बिजनेस में एंट्रीज, कि बिजनेस लगातार चलता रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं, तो फिक्स एसेट पर का मतलब ही आपको पता है फॉर मोर देन वन ईयर जो परचेज की जाती हैं एसेट्स, ठीक है, तो इसका मतलब ये, इसीलिए फिर फिक्स एसेट्स लिखते हैं ना, क्योंकि हम किसको फॉलो करें, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को। तो ठीक है बच्चों, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या हो गया कि हम ये मान के चलेंगे कि बिजनेस लगातार कॉन्टिन्यूंगली चलता रहेगा फोरसीएबल पीरियड के लिए, और जब तक कि क्लियर कट इंटेंशन ना बताए ऑनर बिजनेस बंद करने की। ठीक है बच्चों, दूसरा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। बच्चों जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब क्या है कि लगातार, कंसेप्ट का मतलब क्या हो गया, धारणा एजम्पशंस का लगातार चलते रहना। ये मान के चलेंगे हम कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सेलेक्टेड एंड अप्लाइड शुड बी कंसिस्टेंटली, और वो कंसिस्टेंटली अप्लाइड करने हैं ईयर आफ्टर ईयर, साल बर साल उसको अप्लाई करते जाना है लगातार। हम बिना मतलब कोई भी मेथड चेंज नहीं करेंगे, कोई भी तरीका काम करने का चेंज नहीं करेंगे, जब तक कि उसका कोई लॉजिक ना हो चेंज करने का, जहाँ तो कोई वैलिड रीज़न हो चेंज करने का, फिर तो बात समझ लगती है, अदरवाइज चेंज करने का कोई भी लॉजिक नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंसी। क्योंकि बेटा जब हम सेम मेथड्स को, सेम प्रिंसिपल्स को, सेम तरीके, सेम रूल्स को फॉलो करेंगे, तो कंपेयर करना, रिजल्ट्स को कंपेयर करना इजी हो जाता है। पिछले साल के साथ एक फर्म का दूसरे फर्म के साथ कंपैरिजन भी इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाना, जिसको हम शॉर्ट में FIM और WDV भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अक्रूअल कंसेप्ट की तरफ। बच्चों अक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है, दिस कंसेप्ट रेकोगनाइज रेवन्यू एंड एक्सपेंसेस एज दीज आर अर्नड और इंकर्ड इग्नोरिंग द डेट ऑफ रिसीट और पेमेंट। बच्चों रेवन्यू रेकोगनीजन रेकोगनाइज कब होती है या एक्सपेंस कब रेकोगनाइज किया जाएगा, जबकि वो हैपन हुआ है, मतलब रेवेन्यू अर्न की है और एक्सपेंस क्या किया है, इंकर किया है, तो जब ये टेक प्लेस होंगे तभी उसकी एंट्री की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो किस दिन रिसीव हुआ। फॉर एग्जांपल मेरे को आपसे 500 रुपया लेना है, या मैंने आपको 500 रुपये की सेल की है, या मेरी कोई कमीशन ड्यू हो गई है, या कोई इंटरेस्ट मिलने वाला है 31 मार्च को, तो वो एंट्री हम 31 मार्च वाली स्टेटमेंट में करेंगे, ना कि 7 अप्रैल को जब वो मुझे पैसे मिले। उसी तरीके से जब कोई एक्सपेंस हो गया, ड्यू हो गया है, तो उसकी उसी दिन एंट्री कर देंगे, ना कि एक्चुअल में जिस दिन उसको हमने पे किया है। तो इग्नोरिंग द डेट ऑफ रिसीट और पेमेंट, फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या अक्रूड इनकम्स। ठीक है बच्चों, अक्रूड इनकम क्या होती है, अक्रूड इनकम जो ड्यू हो चुकी है बट अभी तक हमें मिली नहीं है, हमें मिलने वाली है, पर जिस दिन उसको ड्यू हो चुकी है मिलने की डेट, उस दिन ही हम उसकी एंट्री कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मान लो आज आपका बिजली का बिल ड्यू हो गया है, आज ही उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको 10 दिन बाद पे कर रहे हो या नहीं कर रहे। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट, ट्रीटेड सेपरेटली, और सेपरेटली उसको ट्रीट करते हैं। मतलब जो पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगा दिया, अब वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो गया, क्योंकि हम बुक्स बिजनेस की बनाएंगे, ना कि बिजनेसमैन की। ठीक है बच्चों, तो इसलिए जो बिजनेसमैन का पैसा बिजनेस के पास है, वो फर्म के लिए लायबिलिटी है, इसीलिए जो कैपिटल है वो बिजनेस में लायबिलिटी के फॉर्म में ट्रीट की जाती है। ठीक है बच्चों, चलो आगे मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। बच्चों मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन मनी टर्म्स, ट्रांजैक्शन मनी टर्म्स में रिकॉर्ड की जाएंगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो केजी में खरीदी हैं आपने, मीटर्स में खरीदी हैं, या यूनिट्स में खरीदी हैं, नंबर्स में खरीदी हैं, क्वांटिटी उसकी मायने रखती है नो डाउट, बट जो अकाउंटिंग में हम एंट्री करेंगे उसको मनी में कन्वर्ट करके ही लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया की में अगर रिकॉर्डिंग करें तो नेचुरली करेंसी ऑफ कंट्री इन इंडिया रुपीज़ में ही कन्वर्ट करके बताएंगे ना हम उनको। फॉर एग्जांपल आपने 4 रजिस्टर खरीदे, 2 पेन खरीदे, ठीक है 4 रजिस्टर और 2 पेन यूनिट्स हो गए ना, लेकिन आप उनसे तो यही पूछोगे ना कि कितने पैसे बने, और वो आपको बताएंगे फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ बने, तो इसका मतलब वो बिल कितने का काटेंगे, 500 का, तो रुपीज़ 500 का बिल कटेगा। दिस इज़ कॉल्ड मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होगी मनी में रिकॉर्ड होगी, और जो मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल
आज बारिश हुई, उसको मनी में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड की जाएगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। बच्चों अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है कि टोटल लाइफ ऑफ द बिजनेस को हमने क्या किया, स्मॉलर पार्ट्स में बांट दिया, स्मॉलर पीरियड्स में बांट दिया एक एक साल के, ताकि हम उसका समय समय पर प्रॉफिट एंड लॉस पता कर सकें। क्योंकि बच्चों आप जानते हो कि किसी भी चीज़ का प्रॉफिट या लॉस एग्जैक्टली कैसे पता चलता है, जब वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, पर बिजनेस तो हमें खुद ही नहीं पता कि कब कंप्लीट होगा कब बंद होगा। तो फिर हमने उसको कंट्रोलिंग फैक्टर की वजह से, कंट्रोल करने के लिए कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, अगर हो सकता 20 साल बाद बंद करना, हो सकता 10 साल बाद बंद करना, हो सकता कंटिन्यू ही रहता रहे, तो कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसके रिजल्ट्स को देखना ज़रूरी है ना, कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हम उसको क्या करेंगे, लाइफ ऑफ बिजनेस इज ब्रोकन इंटू स्मॉलर पीरियड्स, ताकि हम उसका प्रॉफिट या लॉस फाइंड कर सकें, और वो जनरली कौन सा पीरियड है, 1 ईयर का। चलिए अब हम आगे बात करते हैं बच्चों, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। बच्चों फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑल इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू बिजनेस, ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन जो भी बिजनेस से रिलेटेड हैं शैल बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है, जो भी आइटम्स, जो भी इंफॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड है वो ज़रूर बतानी है, वो कोई भी चीज़ आपने हाइड नहीं करनी, चाहे कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी बच्चों को होता है जैसे पेंडिंग लीगल केसेस, कि जो आपके ऊपर किसी ने केस किया हुआ है, यदि हारोगे तभी वो लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी ना, अदरवाइज वो लायबिलिटी नहीं पे करनी। तो इसका मतलब फुल डिस्क्लोजर का नाम से ही क्लियर हो गया कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं है, जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसको आपको इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा, ठीक है जी, एज एन अकाउंटेंट। चलिए अब है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। बच्चों ये जो मटेरियलिटी प्रिंसिपल है इसका बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, यहाँ ये वो कह रहा है कि फुल डिस्क्लोज करना है, हर चीज़ को बताना है, और यहाँ पे वो कह रहा है मटेरियलिटी कंसेप्ट कि जो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स हैं उसको उसके बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस के हिसाब से बताना है। सो अ ट्रांजेक्शन शुड बी रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस के बेसिस पे, कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ ज़्यादा है और कौन सी इंपॉर्टेंस नहीं है, कौन सी जैसे रेवेन्यू आइटम है या कैपिटल आइटम है। कैपिटल आइटम कौन सी होती है, जैसे फिक्स्ड एसेट की परचेज, रेवेन्यू आइटम जैसे डेली खर्चों की परचेज या उसकी रिकॉर्डिंग, तो कौन सी अमाउंट बड़ी है। अगर हो सकता है कैपिटल आइटम आपकी कोई 25,000 की और रेवेन्यू आइटम आपकी बहुत बड़ी अमाउंट की है, तो वो डिपेंड करता है मटेरियलिटी उसकी, क्यों कितनी चीज़ सेंसिटिव है, कितनी ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट रखती है आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आपको ज़रूर दिखाना है, दैट इज़ कॉल्ड मटेरियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। बच्चों प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म का मतलब है डोंट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट, आप अपने होने वाले प्रॉफिट्स का ध्यान मत दो, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज, पर होने वाले सारे लॉसेज का ध्यान पहले रखो। तो इसीलिए हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना के चलते हैं। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, एक एंटिसिपेशन ऑफ लॉस होता है, डाउटफुल डेट्स का मतलब कि जो पैसा हमने लोगों को उधार दिया है वो हो सकता है कुछ पैसा हमें वापस ना आए, तो हम 2-5% फॉर एग्जांपल हम उसको कंजर्वेट करके एक्सपेंस के फॉर्म में या लॉस के फॉर्म में दिखा देंगे, बट होने वाले प्रॉफिट को कभी एंटिसिपेट नहीं करेंगे, ये प्रिंसिपल ये कहता है। इससे क्या होगा, हम ट्रू पिक्चर को दर्शाने में सफल होंगे, क्योंकि जब आप होने वाले लॉसेज को ना दिखाओगे तो ऑल ऑफ द सडन कोई खर्चा आ जाएगा, तो जिसकी वजह से आपका P&L और गिर जाएगा, ठीक है, और बढ़ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गिर जाएगा तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें जितने भी प्रोबेबल होने वाले लॉसेज हैं उसके बारे में पहले ही लिख के रख लेना है, ओके। उसके बाद क्या बच्चों, कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल का क्या मतलब है, कॉस्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या है, द एसेट्स मस्ट बी शोन एट इट्स कॉस्ट प्राइस, जितनी भी हमने एसेट्स खरीदी होती हैं वो हमारी जो लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, उस पर दिखाएंगे, विच इज़ द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ एसेट, नेचुरली जितने रुपए पे वो खरीदी है, कॉस्ट प्राइस डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी परचेज प्राइस है उस पर लिखेंगे, ना कि उसकी मटेरियल वैल्यू पे, मतलब जितनी पे वो रिलाइज हो सकती है, रिलाइजेबल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, ना ही आज की मार्केट प्राइस पे, ना ही रिलाइजेबल वैल्यू पे, जिस पे भी लिखी है, खरीदी है, उस कॉस्ट पे ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों मैचिंग प्रिंसिपल। सो बच्चों मैचिंग प्रिंसिपल क्या है, टू मैच सेम पीरियड्स रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ मैचिंग का मतलब है सेम पीरियड की रेवेन्यू को हम सेम पीरियड के एक्सपेंसेस से ही माइनस करेंगे, तभी हम एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस को फाइंड कर पाएंगे, फॉर एग्जाम्पल बाय टेकिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अगर मान लो खर्चा आपने एक मंथ अप्रैल का ले लिया और
एक्सपेंसेस और रेवेन्यू आपने मार्च मंथ की ले ली, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस तो सेम नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब कोई जो खर्चा रह गया या छूट गया है उसको आपको ऐड बैक करना पड़ेगा, या जो प्रीपेड हो चुका है उसको लेस करना पड़ेगा, तभी आप उस पीरियड के सही खर्चे को जान पाओगे। दैट इज कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल। ओके बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। बच्चों ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल का यहाँ दूसरा नाम है डबल इम्पैक्ट, डबल एस्पेक्ट। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन को हम दो बार रिकॉर्ड करेंगे, उसके दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे, वन इज डेबिट और वन इज क्रेडिट। और बच्चों आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, हमारी सारी अकाउंटिंग इसी पर ही बेस्ड होती है, वन इज डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट पे ही बेस होगा। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो ये आपको कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। बच्चों रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ सेल, जिस दिन हमने सेल कर ली उस दिन रिकॉर्ड की जाएगी, बट नॉट एट द टाइम ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, कि जिस दिन अमाउंट रिसीव हुआ उस दिन की ट्रांजेक्शन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट का अगर आपने कोई सेल किया है तो बिल तो आज का ही कटेगा ना। हो सकता है उसने पेमेंट को आपको महीने बाद बोला हो, तो महीने बाद तो आपको पैसे मिलने हैं, पर रेवेन्यू कब अर्न किया आपने, रेवेन्यू तो आज अर्न की ना, तो इसलिए वो सेल आज की मानी जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लास्ट बात करते हैं वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब है एवरी एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड विद प्रॉपर एविडेंस। प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए हर ट्रांजैक्शन का उन चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए, कोई सोर्स डॉक्यूमेंट, कोई बिल, कोई सबूत जिसको कहते हैं, कोई जैसे आप बस का फेयर है तो बस की टिकट होनी चाहिए। ओके, कोई सामान आपने खरीदा है खाने के लिए भी तो उसका भी कोई बिल होना चाहिए। हर चीज़ का एक बिल, सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जरिया होना चाहिए जिसे ये पता चले कि वाकई ये ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हुई है। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, एवरी एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड विद प्रॉपर एविडेंस। हर एंट्री को रिकॉर्ड करने का एक प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये थे सारे प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि अकाउंटिंग में आगे बढ़ने के लिए इनको अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के लिए, तब तक आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, विशिंग यू गुड लक।